एनीवेज हाँ वो तो है ही, वो तो है ही गाइज। ये गाड़ी हमारी पहली वोल्क्सवैगन की गाड़ी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई दो थार एक साथ खड़ी थी तो मैंने सोचा कि यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। फिलहाल तो मैं आया हूँ एक बार बाल कटवाने के लिए, बाल कटवा के और फिर चलते हैं घर, क्योंकि घर पे जतिन वेट कर रहा है ऑलरेडी। हमें जाना है आज गाड़ी देखने के लिए, अपनी दूसरी गाड़ी जो मैंने तुम्हें बताई थी वरना, और वरना के अलावा एक गाड़ी और जो तुम लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करी कि भाई ये वाली देख के आओ, मैं नाम भूल गया उसका, थोड़ा सा खतरनाक नाम है, क्या नाम है, नाम भूल गया, वोल्क्सवैगन की कौन सी थी वो, जो भी थी वो भी देखने चलेंगे और वरना देखने चलेंगे। बहुत दिनों से हेयर कट नहीं कराया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा लुक चेंज करवा लेते, काफ़ी दिन हो गए सेम लुक में दिखते दिखते। और वैसे भी नई वीडियो का शूट शुरू होने वाला है, मतलब अभी तो खैर स्क्रिप्टिंग चल रही है, उसमें भी अभी लगेंगे, क्योंकि इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, जिला गुड़गांव बना रहा हूँ पहली बात, तो सबसे पहली बात ठीक है। दूसरी चीज़, इस बार मैं एपिसोड्स में नहीं बना रहा, पूरी मूवी आएगी 1 से 1.5 घंटे की, ऐसा मैंने सोचा है ठीक है। बाकी तुम कमेंट करके बता देना कि सीरीज़ देखना चाहोगे या फिर मूवी, मूवी मतलब पूरी बड़ी, चाहे वो 1 घंटे की बने, चाहे 40 मिनट की बने, चाहे 2 घंटे की बने, जितने की बनेगी पूरा एक साथ ही लगाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना अपना कि क्या देखना चाहोगे, सीरीज़ या वो। मेरा पूरा पूरा प्लान है मूवी का ही, मतलब पूरी एक 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 शॉर्ट फिल्म टाइप्स। दूसरी थार गायब हो चुकी है, सिर्फ अपनी बच रही है अभी यहाँ पे। अब चलते हैं सीधा घर और फिर चलेंगे सीधा, पहले तो नहाऊंगा यार, नहाने के बाद चलेंगे सीधा फिर वो गाड़ी देखो। अरे भाई साहब क्या गर्मी है ज़बरदस्त, एक तो ये खिड़की एक बारी में बंद नहीं होती, गर्म हवाई। जी सुनाइए क्या चल रहा है, यहीं पे मिलते हो आप इसी पोजीशन में, क्या चक्कर है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ ये बता दो बस। अरे कपड़े नहीं, शक्ल देख लो, शरीर बच्चों की तरह, बाल छोटे करवा दिए, दाढ़ी भी छोटी करवा दी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा से नहीं लग रहा था। आपकी क्रीम ले लूँ क्या यार, मम्मी की फ्रूट क्रीम लगा लेता हूँ, मम्मी की ऐसी क्रीम है ये भाई, कुछ भी हो जाओ तो ये क्रीम लगा लो, सब कुछ सेट, ऐसा वाला सिस्टम है इस क्रीम है ना मम्मी, हाथ कट जाओ पिट जाओ कुछ भी हो जाओ सब में काम आ जाती है ना, इतनी सी लगाओ खत्म। भाई भूख लग रही थी बहुत तेज और मम्मी ने ऑप्शन दे दिया, पता किस चीज़ का, मम्मी कहती दही है, चटनी है, ये अलग तरह की चटनी बनाने लगी मम्मी, पता ना किस चीज़ की मम्मी, मिर्च और कुछ और है, प्याज, मिर्च प्याज की चटनी है कुछ मम्मी, पता ना पिछली बार बनाई थी बहुत खतरनाक थी, मतलब बढ़िया, तो मैंने कहा दे दो, सब्जी भी रखी है पर सब्जी मैं खाऊंगा नहीं। भाई आज तो जतिन शर्मा का जो नया घर बन रहा है वहाँ पे जेसीबी चल रही है, काम चलवा दिया गया, देख रहा था मैं क्या, नॉर्मल जेसीबी तो वैसे चला है पर आज वो बड़ी वाली चल रही है। हाँ मतलब ये इन्होंने ऐसा कर रखा था, ये प्रोजेक्ट जो बनाया था इसने, इसे मैं बुक कर रखा 3 BHK, तो ऐसे ही मतलब ये सरिया से घुसा के बस ऐसे ही छोड़ रखा, कितने 2 साल हो गए शायद इन्हें, 3-2 साल से ऐसे ही छोड़ रखा था, आज कुछ काम सा चलता हुआ दिखा, वरना ऐसा खाली ही दिख रहा था कई दिनों से। उसका क्या करना है पब्लिक ने, वो एक गाड़ी और बताइए कोई, मेरे समझ तो बाहर है, क्या नाम था उसका, नाम याद, हाँ हाँ वो भी देख रही, मैंने तो नाम ही ना सुना उसका कभी आज तक, चीज बढ़िया है वो है भाई, मैंने तो आज तक नाम ना सुना भगवान का, ओपी का एक नंबर, और मेरे तो याद भी ना हो रहा उसका नाम है, ऐसे वर्चस पता ना क्या जो भी बोलते होंगे, प्रोनाउंसिएशन जो भी होगी वो मेरे को याद, मतलब समझ से बाहर है, पर मैंने आज तक ना वो गाड़ी देखी ना कुछ, और इतने सारे कमेंट्स आ रहे भाई यू ले लो, यू ले लो वोल्क्सवैगन चले जाओ, मैंने कहा अच्छा देखते हैं, तो एक काम करेंगे पहले वोल्क्सवैगन ही चल लेंगे, क्योंकि वरना तो हमने लेनी है फिर, है ना, वरना जो वरना का नया मॉडल का अभी दिखा देंगे वैसे होगी वहाँ शोरूम पे, चलो उसका तो देख लेंगे जैसे भी, क्योंकि वरना का तो ये है कि वो तो हमें लेनी ही लेनी है। अब जो ये तुमने एक अलग सी गाड़ी बताई है ये देख के आता है क्या है, एक एक ये वोल्क्सवैगन और एक और बता रहा था, एक और नाम भी लिया था बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो ज़्यादा वोट आई थी, ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे थे इसके ही वोल्क्सवैगन वाली के, वर्चस या वर्चस पता ना जो भी है, जो भी नाम है इसका भाई पता नहीं, जो भी बोलते हैं, पर इसका ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, और एक गाड़ी और थी उसका नाम भी अभी कमेंट पढ़ के बताऊंगा। आज का लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हुआ है दोनों, मतलब अभी सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, और भाई देखो तारीफ नहीं कर रहा लेकिन मेरी मम्मी के हाथ की जो रोटी है ना उसकी कोई बराबरी, मतलब सब सब्जी चटनी ये सब के घर बन सकते हैं लेकिन जो रोटी की बात है ना वो कुछ अलग ही है, पता ना मम्मी के हाथ में कोई तो जादू है जो रोटी अलग सी रहे, मतलब मैं सिर्फ रोटी और घी से भी खा सकूँ रोटी, मतलब सूखी रोटी भी खा सकूँ, इतना भी इतना टेस्ट रहा है। फिलहाल तो जतिन चला गया है हबीबी लेके, ये बाइक अपनी यहाँ खड़ी है, और ये तो अपनी है मेरे को तो ध्यान ही नहीं था इसका, जतिन हबीबी लेके निकल गया था क्योंकि वो जाएगा पटियाला, संदीप इनको पिक करेगा, ये तो एक बार पहले चलेंगे वहाँ वोल्क्सवैगन ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर हुंडई, अगर हुंडई, क्योंकि हुंडई का ये है कि उसमें किसी को साथ लेके जाऊँगा, वो अपना भाई एक वो कह रहा है कि भाई साथ साथ ही करवा दूंगा तुम्हारा टेंशन मत लो, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, डिस्काउंट भी करवाने की बात कर रहा था, डिस्काउंट तो एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा करवा दे उतना बढ़िया, क्यों भाई खुद से मांगा नहीं मैंने, मतलब कि ऐसा करवा दो, पर उसने खुद ही कह दिया कि भाई करवा दूंगा, मैंने करवा दो भाई क्या दिक्कत है, पैसा बचाने में कोई बुराई थोड़ी है,
प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, पहले हम दो गाड़ी लेके जा रहे थे, अब हम दोनों गाड़ी नहीं लेके जा रहे, अब एक ही गाड़ी से जाएंगे, इसको यहाँ खड़ी कर देंगे और हबीबी जो ये अपनी खड़ी है इससे जाएंगे सारे साथ में, ठीक है। फिर वापस आके इनको मैं यहाँ उतार, मतलब ये मेरे को यहाँ उतार देंगे, मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल जाऊँगा और ये लोग फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये लोग यहीं बैठेंगे। भाई सारी तैयारी हो गई हमारी, पटियाला नहीं आया बस अब तक है, मैं तो रेडी हूँ, पटियाला कहाँ है? अरे यार दांत ने मम्मी ने वो कही थी गाय की रोटी ले जाइए, मैं बोला नहीं, बोलूंगा यार गाय की रोटी की बात कर रहा तू है, ले मैं दे दूं ले। अरे तो तू कल तू ले गया था, पहले ले गया था तो तेने वीडियो में दिखाई है कि दे दी। हाँ मैं ना दे दे ना दिखाई, मैंने कही दे दूंगा। हाँ हाँ दे दूंगा। हाँ फिर वो, अरे तो फिर गाड़ी तेने दोबारा चेंज कर ली, भोटे तू ना करे काम ढंग से। कल करी मैंने, हाँ रात ने। हाँ तो रात ने मैं लेके गया हूँ, मैंने कल भी ना करी, सुबह लिए मैंने तभी। हाँ तो सुबह तो सुबह लेगा ना, रात 2 बजे कल का पूरा दिन तेरे पता। हाँ तो मैं भूल गया, तू लेके रखे क्यों उसी टाइम, क्यों ना दे भाई? मैं उसी टाइम दे रहा था जब आ रहा था ना, तेने फोन कर दिया कि कहाँ रहेगा, कल ना कर दिया था जब भी मैं आज की, तो मैं लानी भूल गया यार। मम्मी देखेंगी फिर, मम्मी शो करेंगी जो गाय आ रही, पटियाला दे दे रोटी, पटियाला ओ पटियाला, पटियाला भी तो तू नुके मार गाय आ रही फिर तो है, तेरे गाय कह रहा है। जय महादेव तो बोल दो एक बार। हर हर महादेव। हाय दांत दे भाई, पटियाला ने एक गाड़ी और बता दी। पटियाला कौन सी गाड़ी बता रहे हो आप? रैपिड स्कोडा रैपिड। जब कह रहा है कि जब अगर वोल्सवैगन जा ही रहे हैं तो फिर तो वो लो रैपिड, वो रैपिड मैंने कहा महंगी है वो, हां सेम ही है यार दोनों भाई, उसी बजट में चाहिए जो मैंने बजट तुम्हें बता रखा है उसी बजट में चाहिए, अगर उसी में हुई तो देख लेंगे कंपेयर करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां तो जा ही रहे हैं वोल्सवैगन, तो जा ही रहे हैं। नीचे चाहिए हाँ, 1-2 लाख ऊपर हो जाओ तो कोई दिक्कत ना, पर इसी रेंज में 20 के आसपास चाहिए, 20 से 25 तक। हाँ, क्योंकि वरना जो आएगी ना वो भी महंगी आएगी, कभी सोच रहा हूँ 22-23 के आसपास आएगी ना, पागल देख लेना भाई तुम। 17-18 लास्ट भाई, 16 की है लग तो धांस हो रही थी गाड़ी, लग रहा था कि कुछ चीज है, पर अब पता ना एक्चुअल में सामने देखने से, अभी तो उसकी आगे वो देखा तुमने बोनट कैसे कर रखा अजीब सा, ऐसा कैसे बताऊं, मैंने अभी कुछ ना देखा, पर मैं तुम्हें बता दूं 20 लाख तक ऊपर आएगी, 20 लाख देखेंगे, 20 लाख तो ऊपर भाई, अगर वो होएगी वर्थ होएगी तो बिकेगी, नहीं तो फिर ना बिके, 20 लाख तो ऊपर वरना कौन लेगा, 16-17-18 लास्ट होएगी दांत ले, 17-18 लास्ट ले, सब लेगा भाई सब लेंगे। खैर वरना का नाम है, ऐसी बात ना है, इन गाड़ियों में वरना का एक वो है कि भैया ना मतलब खर्चा कम है। फॉर्चूनर 30 लाख तक चालू हुई थी, आज 60 लाख की है, ले रहे सब वही फॉर्चूनर। हाँ तो वही चीज है, 1-1 लाख रुपए बढ़ा रहे यार भाई, देखेंगे क्या रहेगा, बहुत लंबी बहस चल सकती है, फिलहाल तो हम पहुंच गए। 2-4 लाख रुपए कम लगा ले, दांत नीचे लेगा ऊपर से लेगा, यहाँ है असलपुर वाली साइड है, ऊपर से ले ले मेरे ख्याल से, है ना पटियाला। भाई पहुंच तो गए, उधर रोड के बीच में लगाया गाड़ी, यहीं लगा रहा है बीच में लगेगी। अच्छा जी देखना जो वोल्सवैगन का शोरूम है, जैसे हॉस्पिटल हो, बाकी सारे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, मतलब लग रहा है गाड़ी के शोरूम देखो, ऐसा लग रहा है फीलिंग जैसे हॉस्पिटल में आ गया, पर चलो ठीक है। ओहो ये खड़ी अंदर घुसते ही अपनी गाड़ी खड़ी है भाई साहब, सही लग रही है गाड़ी तो यार, मतलब की ओके ओके सी लग रही है। हाँ सही लग रही है दांत ले, टक्कर की तो लग रही है दांत ले, वरना की ऐसे की नाम मना कर रहा है तू, ब्लैक कलर ना होएगा भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नाइस कार, वेरी वेरी नाइस कार, बढ़िया लग रही, ब्लैक कलर में और ज़्यादा बढ़िया लगेगी अगर होती होएगी तो, मेरे को पता नहीं है कि है या नहीं है इसमें ब्लैक कलर, पर होना चाहिए जहाँ तक है ना दादले, पूछिए ब्लैक कलर है इसमें, ब्लैक कलर आता है ना, रो रो मना मत कर देना, मना मत कर देना, क्या कह रहे हैं अपने पास, क्या कह रहे, ब्लैक नहीं है, ब्लैक कह रहे, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है। अरे ये ऑलमोस्ट क्या होता है भाई, ये ऑटोमेटिक ना है, ऑटोमेटिक छोड़ ब्लैक में नहीं है भाई, ब्लैक कलर तो चाहिए, ब्लैक कलर होता ही है जैसे ब्लैक। अरे यार क्या चक्कर है, उल्टा बोला है हमेशा, उल्टा ही बोला तो है ना भाई, ये तो ब्लैक ही तो है, ये देखो ये वैसी है जैसी वो उसकी खड़ी थी ना। अच्छा रात में तो ब्लैक, रात को ब्लैक दिखेगी, दिखा एक बार कैसे इसे लग रही है, देखा एक सेकंड चेक कर लेता है बैठ के कैसे व्हील आ रही है भाई,
पटियाला ऑटोमेटिक ना मैनुअल है भाई, गाड़ी तो मैनुअल है। योर योर गाड़ी लग्जरी लग रही है भाई, बहुत सही लग रही है गाड़ी तो देखने में, है ना। होंडा सिटी से बहुत अच्छी लग रही है, मतलब जैसे कलम देख के उसके कंपैरिजन में, है ना पटियाला। अरे व्लॉग में ना देखा क्या तूने, व्लॉग में देख लियो यार। पर भाई उससे ज्यादा स्पेशियस लग रही है, और वो लग रही है मेरे को तो होंडा सिटी से ज्यादा बढ़िया। ब्लैक ना मिला तो फिर ब्लू ले लियो। ब्लू भी ना है, ब्लू क्यों लेंगे यार, ब्लैक गाड़ी यार, ब्लैक बढ़िया लगे। हमारे रूल के खिलाफ बोल रहा है भाई, ब्लैक गाड़ी लेंगे। ऐसा कलर है वो जा रहा, जो कलर वो, पर यार ब्लैक जैसा सा लग रहा है, कलर ब्लैक जैसा ही लग रहा है सेम, पर ब्लैक तो ब्लैक है ना भाई। रात को लगेगा ब्लैक बस, रात ना ब्लैक लगेगा, दिन में वो नीला नीला से लगेगा, अजीब से लगेगा ना, मतलब दिन में थोड़ा सा चुभेगी। पर यार अच्छी लग रही है गाड़ी, अच्छी लग रही है भाई। मैंने कभी मतलब वोल्क्सवैगन हमने कभी रखी ना, दांत लगे हमारे पास कोई भी गाड़ी ना रही ना, वोल्क्सवैगन कभी भी ना रही ना हमारे पास गाड़ी के, इस कंपनी की कभी गाड़ी ना रही ना वोल्क्सवैगन की, है ना। पर गाड़ी लग्जरी कंपनी है क्या ये, ज्यादा वोल्क्सवैगन हैवी कंपनी है, पहली गाड़ी ये हो सकती थी। कुछ ना है पर भागे तेज है, यूं है बस भागने तेज क्या, BMW ऐसे तो BMW रही ठीक है, उनके टक्कर की है वोल्क्सवैगन भाई, BMW और के टक्कर की है ना बेटा, उनके टक्कर की है टक्कर देगी स्कोडा। हां हां ना तो स्कोडा की बहुत महंगी महंगी गाड़ी, BMW से महंगी होगी बल्कि शायद, एनीवेज हां वो तो है ही, वो तो है ही गाइस। ये गाड़ी हमारी पहली वोल्क्सवैगन की गाड़ी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस इसमें अगर ब्लैक कलर मिल जाता तो, पर इसमें है नहीं यार, क्या करें अभी, इसका समझ से बाहर हो गया मामला। इसका पूछ चाहिए एक बार, पूछ प्राइस पूछ इसका क्या सीन है क्या नहीं, अगर प्राइस में अच्छा खासा फर्क हुआ तो ये ले लेंगे, इसको रैप करवा देंगे, फिर क्या कर सकते हैं, एक बार इसका थोड़ा सा प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें पता करते हैं फिर देखेंगे। मैं थार की चाबी लेके घूम रहा हूँ, चल इसका बनवा भाई, इसका वो मेन्यू कार्ड लेकर, जो ये ब्लू वाली घड़ी यही है सेम। और कौन से कलर बताया आपने, ग्रे, ग्रे रेड, ग्रे है, रेड है, वाइट है, ब्लू है, येलो जो चाहिए बस, वो ब्लैक नहीं है बस, ब्लैक आता ही नहीं कंपनी से, नहीं आता आज तक, आया ही नहीं आज तक, नहीं आया, देख लो ब्लू। चलो ब्लू दिखा दो भाई, ब्लैक रैपिड में आएगी। स्कोडा, स्कोडा कहाँ है ना, स्कोडा भी तो होगी मेरे पास, वो तो अलग से है, अलग है, इन्हीं की तो है। अच्छा वोल्क्सवैगन स्कोडा अलग है, ओहो मैं तो, ओहो मेरे को माफ़ कर देना गाइस, मैं सेम समझ रहा था, मैं अभी तारीफ कर तो रहा था कि स्कोडा महंगी है, स्कोडा महंगी, स्कोडा अलग है, वोल्क्सवैगन अलग है, मैं तो भूल गया था भाई। ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है, अगर किसी और की गाड़ी हो तो, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, किसी और की गाड़ी हो तो ठीक लग रहा है, पर अपनी खुद की गाड़ी के हिसाब से अच्छा ना लग रहा, ऐसे मत बोलो। पर कोई ले रहा हो तो भाई उसका दिल टूट जाएगा, ये सोचेगा कि भाई हमारी गाड़ी की बुराई कर दी। वैसे अच्छी लग रही है गाड़ी तो, दांत ब्लू कलर में भी देख अच्छी लग रही है वैसे गाड़ी, है ना, हाँ वो वही बंद कर दी, चक्कर ब्लैक जो कलर है ना वो सदा बाहर कलर है, उसका ये फ़ायदा है कि कभी भी देखोगे बुरी ना लगेगी, बढ़िया ही लगेगी। अरे दांत ब्लैक कलर तो है ना यार, तू खाम उठा के, हाँ चलो वो देख ले, इसमें मैनुअल के ये होगा कौन सा, ये मैनुअल, ये मैनुअल का ये, अरे तो सस्ती है ये तो, वरना से सस्ती है भाई ये, कितने की पड़ रही है भाई, 12-13 में कह रहा है, 70 की है ये वाली टॉप मॉडल। सो देखिए ये अगर हम बात करते हैं भाई साहब, टॉप मॉडल इसको 14.5 लाख का है बस भाई। मैंने एक शोरूम प्राइस देख लिया था, ऑन रोड प्राइस जो मैनुअल गाड़ी है वो पड़ेगी हमें 16 लाख, कहाँ गया वो, यही हो रहा 16,97,000 की, और ऑटोमेटिक है वो पड़ेगी 21 लाख की। वो दांत ले, वो ये क्या कह रहे हैं, 21 लाख की ऑटोमेटिक टॉप मॉडल, 18 लाख की पड़ेगी, तो इसमें 21 लाख में तो लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, 21 लाख, अच्छा दूसरी गाड़ी की लिख रहा है शायद, है ना, जो ऑन रोड प्राइस जो है 18 लाख की पड़ेगी भाई, अगर GT प्लस है, TDS, DDS और ये तो फिर तो वरना से महंगी है, फिर तो कोई फ़ायदा ना, ब्लैक कलर भी ना है वो भी ना, है ना, फिर कोई फायदा वो लगा है, कौन सी रैपिड स्कोडा रैपिड, चलो साइड में सनरूफ ना, सनरूफ तो चाहिए भाई, सनरूफ तो चाहिए, सनरूफ ना उसको ज्यादा, ठीक है शायद गया हूं मैं, मान कर हम ना होएगा यार, पता नहीं ऐसा हो ना सके, सनरूफ का ज्यादा यूज ना हो पर फिर भी चाहिए, हाँ तो देखने में तो अच्छा लुक अच्छी आओ, और तो क्या है ज्यादा यूज ना, पर यूज भी हो जाएगा कभी कभी, जैसे एक चश्मा का यूज नहीं होता पर कभी कभी वैसे देखने में अच्छा लगेगा। अरे दांतले क्यों नहीं होता यूज, और चश्मे का भाई होता खूब होता देखो, सारी बंद कर दे भाई, यहाँ हमारी बात बनी नहीं कुछ खास, ठीक है, लेकिन पटियाला ने हमें ऑप्शन दे दिए, पटियाला कौन से ऑप्शन, स्कोडा साइड में ही है तो इसने तीन ऑप्शन दिए, कौन सी गाड़ी बता रहा हूँ, ऑक्टेविया, लोरा, रैपिड। अच्छा जी, कह रहा सेम प्राइस में ऑक्टेविया, लोरा और रैपिड, ये स्कोडा नहीं है भाई, यहाँ ह्युंडई और वो था बस, हमने इतनी गाड़ी का नाम पटियाला हाँ तो और क्या, पटियाला का भाई इंटरेस्ट है, पर ये इनकी बिल्डिंग गलत बना रखी है उन्होंने भाई, ये
व्हाइट कलर, ये तो हॉस्पिटल का वो है यार, टच पटियाला से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पटियाला को, क्योंकि इसने स्कोडा देख लिया कहीं, पता नहीं कहां हम देखने गए स्कोडा था, देखा तो था एक बार, हाँ गूगल कर आसपास चलते हैं, घर चलते हैं इसका, हम फिर भी सेफ साइड रहने के लिए। ओहो इसे ना था हटवा देता, नहीं वो तो हटवाऊंगा, ये क्या कह रहा है, हां बोला ओहो वो तो सेक्टर 14 में है, हाँ तो सेक्टर 14 में होगा, हम इसका ये तो ले आए रेट लिस्ट, पर ये किसी काम की है नहीं, ठीक है, वरना ही है बेस्ट। अभी इसने दो तीन ऑप्शन और दे दिए यार, ये स्कोडा का पटियाला रेट ज्यादा होगा उसका, गूगल करियो एक बार, ऑक्टेविया का तो ज्यादा ही होगा, देखो रेट से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लाख दो लाख रुपए का जो तने बताई है भाई, क्यों पड़ेगा तो वरना देख तू, वरना पड़ेगी 16-17 लाख रुपए की तेरी बढ़िया, अब कोई मिल रही हो 24-25 लाख रुपए की सेम गाड़ी तो हम वो क्यों लेंगे, वरना लेंगे ना फिर यार, वैसे लग रही है यार गाड़ी तो अच्छी लग रही है, मतलब बढ़िया लग रही है गाड़ी, थोड़ी सी मॉडिफाई करवाने के बाद तो और तगड़ी लगेगी ना, दादले लाइट वाइट अच्छी कर रखी है। मम्मी जी ये कल वाली रोटी है जो इसने अब दी है, और आज वाली तो मैं लानी भूल गया, कोई बात नहीं कल दे देंगे कल, ठीक है तो मैं निकल रहा हूँ फिर, ठीक है पटियाला सेठ, ओके वीरे सी यू टुमारो, रात में आ जाइयो, रात में आवे तो मैं बता देता, देसी शार्क टैंक बता दे, तेरी कदम बड़ी आइडिया, स्क्रिप्टिंग अभी तो मैं उसकी कर रहा हूँ भाई, जिला गुड़गांव 3 दिन में तेरे तक स्टोरी सुनाऊंगा, तू कहेगा खतरनाक स्टार्टिंग, पता है कैसे मूवी उसकी स्टार्टिंग, तेरे दांत ले, ठीक है स्टार्टिंग तेरे से, फिर सीधा सीन माचल जाएगा अलग, बताऊंगा वो तो तारते बाद में, हाँ शाम ने फोन कर लियो, ठीक है चलो भाई गाइस अब चलते हैं अपना घर, घर नहीं ऑफिस चलते हैं, थोड़ा सा काम वाम देखते हैं, 2-4 मिनट तो गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है कि बस इसका एक तो शीशे खोलने के लिए ये यहाँ है, यहाँ से खोलने जब खोलने के लिए भी उधर जाना पड़ेगा भाई, जब ये वाला रोड बन रहा था ना जो हमारे गाँव का जो रोड है, तो तब यहाँ से निकलने में ना डर लगता था कि भाई कहीं अगर इधर जाना पड़ गया गलती से भी तो इतने गंदे ट्रैफिक में फंस जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अब बनने के बाद इतना सुकून हो गया है कि ट्रैफिक नहीं मिलता, और मिलता भी थोड़ा बहुत तो देखो कभी भी लग सकता है, खैर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी रोड कितना साफ हो गया, पहले सारा टूटा हुआ इतना बुरा हाल था, फिर जब इस रोड पे काम स्टार्ट हुआ तब स्ट्रगल वैसे ही डबल हो गया, पर अब ठीक है, अब ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ तो फायदा हुआ, मेरे को लग रहा है कि ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं, अपना वरना का ही फाइनल होगा, क्योंकि स्कोडा अभी मिली नहीं मेरे को तो, यहाँ पे है नहीं सेक्टर 14 है, मतलब 14 मतलब आधा पूरा घंटा लगता है एक साइड जाने आने का, तो फिर कोई पॉइंट था नहीं, अभी इतना टाइम भी नहीं था, और जो ये वॉक्सवैगन था मैं सोच रहा था स्कोडा एक ही है, मतलब मैं मिक्स कर रहा था उसके लिए, सॉरी भाई मेरे को थोड़ा सा नॉलेज कम है इन चीज़ों की, मैं कम इनमें हूँ मतलब गाड़ी वाड़ी में अभी तक कम हूँ, धीरे धीरे करके मैं अगर इन चीज़ों की नॉलेज बढ़ा लूँ तो अलग बात है, फिलहाल मेरे को कम पता है, तो वॉक्सवैगन में तो मेरे को मजा आया नहीं, कलर भी ब्लैक नहीं था, मतलब ब्लैक कलर नहीं था इसीलिए मजा नहीं आया, और ऊपर से प्राइस भी मतलब ऐसा नहीं था कि अगर वरना की टक्कर में है तो प्राइस कम हो या बराबर हो, उससे ज्यादा प्राइस और उससे कम बढ़िया गाड़ी, तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई इसकी सर्विस बहुत महंगी है, मतलब मेरे को जतिन और ने बताया, मेरे को पता नहीं इनकी, मतलब गाड़ी ले तो लेते हो पर इनमें मेंटेनेंस ज्यादा है, वरना का शायद कम है उसका, 5-6 हजार रुपए की सर्विस होती है जो भी होती है, इनकी शायद ज्यादा ही होती है, तो इसलिए कोई पॉइंट है नहीं, अब या तो अपनी वरना ही बुक करेंगे या फिर एक बार स्कोडा का अगर बाय चांस वो हुआ प्लान बना तो वो लेंगे, वरना फिर अपनी वरना आएगी अब जो भी आएगी 27-28 मार्च को जब वो होगी रिलीज नहीं क्या बोलते हैं उसे रिलीज ही तो बोलते शायद, एक दो दिन पहले कोई बोल ही रहा था कि भाई पार्किंग, कमेंट में पढ़ा था मैंने कि पार्किंग कम पड़ जाएगी तुम्हें, और आज ऊपर पार्किंग मिली ही नहीं सोसाइटी में, नीचे बेसमेंट में लगानी पड़ेगी, मेरे को तो पता भी नहीं किधर साइड है हमारी पार्किंग, ढूंढनी पड़ेगी, खैर जितिन ने स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी होगी वैसे तो, लेकिन गाइज मुझे लग रहा है कि भाई मम्मी को पसंद है वरना गाड़ी, ठीक है, और मेरे को लग रहा है मम्मी की पसंद की ही गाड़ी आएगी, तो जहां तक है अपना वही फाइनल होएगा, बाकी गाड़ियों में मेरे को कुछ खास समझ में आ नहीं रहा यार कहां लगाऊं यार, चलो मैं एक बार देख लेता हूं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, मैं पार्किंग ढूंढ लेता हूं, अपना थोड़ा सा स्ट्रगल लंबा चलेगा ये शायद, ओके गाइज बाय बाय, यही है अपनी पार्किंग, हाँ यहाँ लगा देता हूँ भाई, ये लो।